हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, बात करने वाला हूँ ट्राइडेंट के शेयर के बारे में। स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ऊपर से, और स्टॉक में काफी ज्यादा खराब खबरों का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था। इनफैक्ट खबरों का सिलसिला तो नहीं कह सकते आप, लेकिन कुछ चीजें जो खराब होती हुई दिख रही थी स्टॉक के लिए, और ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जो कहीं ना कहीं इसके शेयर होल्डर थे, उन्हें डर लगने लगा था। एक बहुत लंबी तेजी के बाद स्टॉक में थकान रुकावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब डरने घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक के लिए बहुत ही शानदार खबर आती हुई दिख रही है आज के सेशन में, जो मैं आप सभी के साथ अपनी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। देखिए, स्टॉक के बारे में आपको कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, टेक्सटाइल का ये शेयर लंबे समय से आपको बड़ा पैसा बना के ऑलरेडी दे चुका है। एक साल के इसके रिटर्न्स देखोगे तो शानदार देखने को मिलेंगे, दो साल के और शानदार देखने को मिलेंगे, और पांच साल में तो ये मल्टी वेगर के हिसाब से, उससे पहले एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला स्टॉक में, जिसके बाद शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी बड़ी बाइंग आती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। कुछ पास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो बड़े नाम सामने आए, जो मैं एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा स्टॉक के बारे में, स्टॉक में चल क्या रहा है। देखिए, स्टॉक कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा कि एएसएम की लिस्ट में आता हुआ दिखा। अब ये एएसएम की लिस्ट क्या होती है, हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, एडिशनल सर्विलांस मेजर, जहां पे स्टॉक में ज्यादा ऊपर नीचे हो तो वो एएसएम की लिस्ट में शामिल हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम्स आती हैं स्टॉक में। कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। एएसएम में शामिल होने के बाद स्टॉक में इंट्राडे काम रुक जाता है, दैट मींस आप आज खरीद के आज नहीं बेच पाओगे, आपको टी टू टी ट्रेड हो जाता है वो, यानी कि आज खरीद के कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो, इस तरीके से हो जाता है स्टॉक। इससे और क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप इंट्राडे काम नहीं कर पाओगे तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक में, फॉर एग्जाम्पल आप आज बाय करने की सोच रहे हो, आपको कोई खबर आती हुई दिखी लेकिन आप फिर भी बाय नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है मैं आज नहीं बेच पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इसके चलते स्टॉक में वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, और वॉल्यूम्स कम होने के चलते स्टॉक में मूवमेंट कम हो जाती है, जिसका मतलब स्टॉक वहीं कहीं घूमने लगता है। अब इस स्टॉक के बारे में आप सभी को मैं बताऊं तो स्टॉक कहीं ना कहीं काफी ऊपर 70 रुपए तक जाता हुआ दिखा था, अभी 54-55 के लेवल्स पे ये स्टॉक आके खड़ा हो गया है। क्या है वो गुड न्यूज, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक गुजारिश करना चाहूंगा आप सभी के साथ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके सबसे पहले। अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी मैं ट्राइडेंट के स्टॉक पे आ चुका हूं। देखिए, स्टॉक के बारे में बात करूं तो वेंसडे को स्टॉक कहीं ना कहीं 55 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं। ओपनिंग हाई और लो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो वही, जैसा कि मैंने बताया, एएसएम की लिस्ट में आने के चक्कर में स्टॉक में मूवमेंट थोड़ी सी आपको कम देखने को मिली, तो वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टॉक के बारे में आप सभी को सबसे पहले इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो जरूर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। स्टॉक का 52 वीक हाई है 70.35 का और 52 वीक लो है 13.10 का। अगर स्टॉक के बारे में और डिटेल्स दूं मैं आप सभी को तो ऑल टाइम लो स्टॉक का 0.35 पैसे का है, ऑल टाइम हाई 70.35 का है, जो आपने इसी वित्त वर्ष इसी साल लगता हुआ देखा है स्टॉक में। अब स्टॉक के बारे में आपको, जैसा कि मैंने कहा, काफी उठापटक हुई है ऊपर, बढ़िया रिटर्न्स देने का, नेगेटिव भी अच्छे खासा हो गया है स्टॉक, वो मैं आप सभी के साथ चार्ट शेयर कर देता हूं। एक साल में स्टॉक ने 300% के रिटर्न दिए, यानी कि आपका एक रुपए का 3 रुपए बना दिया, दैट मींस 1 लाख रुपए का 3 लाख बना चुका है ये स्टॉक इतनी गिरावट के बावजूद भी। अगर 6 महीने की बात करूं तो किसी ने अगर 6 महीने पहले लिया है तो उसे इस गिरावट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पोर्टफोलियो 42.78% के साथ ग्रीन में है। लेकिन अगर किसी ने 3 महीने पहले लिया है तो वो कहीं ना कहीं डर रहा होगा, क्योंकि स्टॉक 16% के नेगेटिव रिटर्न्स, 1 महीने पहले की बात करें तो 1.26% के नेगेटिव रिटर्न, और 1 वीक की बात करें तो 1.44% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में जो वॉल्यूम्स हैं वो बता दूं मैं आप सभी को। देखिए, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं जब एएसएम में शामिल हो जाता है स्टॉक, तो वॉल्यूम्स की बात करूं 23 लाख शेयर्स ट्रेड हुए वेंसडे को, 5 दिन के एवरेज की बात करूं तो 38 लाख शेयर्स हैं, 30 दिन के एवरेज की बात करूं तो 54 लाख शेयर्स हैं। डिलीवरी परसेंटेज 100 ही आएगी, क्योंकि आप इंट्राडे में सेल नहीं कर सकते हो। अब मैं आगे इसके बारे में आपको गुड न्यूज देता हूं, क्या है। आप सभी को याद हुआ
कहीं ना कहीं टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम को गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी थी। वहीं पे 61 कंपनीज ने अपना प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, जिसमें से 61 कंपनीज का प्रपोजल एक्सेप्ट होता हुआ दिखा है। उन 61 कंपनीज में आपको ढूंढना है क्या ट्राइडेंट का नाम है। तो हां जी, ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनी है कि उन 61 कंपनीज में जिनका प्रपोजल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कराया 19,000 करोड़ के इंसेंटिव के लिए, उसमें हमारा ट्राइडेंट भी शामिल है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है। यानी कि 19,000 करोड़ जो गवर्नमेंट इन 61 कंपनियों को प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव के रूप में, ताकि ये अपना कारोबार बढ़ा सकें, अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ ला सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकें और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें फायदा मिले। इसके चलते अब ट्राइडेंट का शेयर दोबारा फोकस में आता हुआ दिख सकता है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल चुका है। अब स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं कैसी मूवमेंट रही है इस स्टॉक में। और आगे की बात करें तो अब इसके चार्ट पे मैं फाइनल टच देने के लिए आता हूं। उससे पहले मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर है आप सभी के लिए, वो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो खबर बताऊं, देखिए सबसे अच्छी खबर तो ये कि 19,000 का जो प्रपोजल था, 19,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने जो 61 कंपनियों का प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, 19,000 करोड़ कहीं ना कहीं इंसेंटिव के रूप में मिलेंगे जिससे अपना कारोबार बढ़ा सके। उससे भी अच्छी खबर कहीं ना कहीं आप इसे भी मान सकते हैं कि देखिए म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग फ्रॉम 0.01% टू 0.02% इन दिसंबर क्वार्टर। अब आपको हो गया 0.01% से क्या होता है, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हरे निशान में पॉजिटिव है। अच्छा, इससे कुछ नहीं होता लेकिन इससे तो होगा ना, FII एंड FPI हैव इंक्रीज शेयर होल्डिंग फ्रॉम 2.14% टू 2.48% इन दिसंबर 2021 क्वार्टर, यानी 2021 के क्वार्टर में दिसंबर के 2.14 से 2.48 कर दिया। अब यहाँ पे तो आपको खुशी मिलनी चाहिए कि भाई FII और FPI भी अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर प्रमोटर्स देखा जाए तो 73.02% पे आती हुई शेयर होल्डिंग पैटर्न 72.94 पे आती हुई देखिए 73.04 से, यानी कि 0.08% कम हुई। अब मैं आपको इसका रीजन दूं, पहले ही आपने सुना होगा कि इनके जो प्रमोटर थे उनके पास शेयर होल्डिंग थी 0.08% की। उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैं अब प्रमोटर नहीं रहना चाहता हूं, मुझे एक नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में आना है, तो उन्होंने प्रपोजल दिया। और अब अच्छी खबर यह कि उन्होंने भी अपना जो प्रपोजल था वो वापस ले लिया है। प्रपोजल तो नहीं कहेंगे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो वो एप्लीकेशन वापस ले लिया, वो दोबारा से प्रमोटर्स होना चाहते हैं। तो अब ये भी आपको दोबारा सही होता हुआ दिखेगा, यानी कि कोई डिक्रीज नहीं है, सब इंक्रीज है। तो सबका भरोसा बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है मोमेंटम। कहीं ना कहीं स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। नीचे में 48 और ऊपर में स्टॉक 48 और 55 के लेवल्स पे ही कंसोलिडेट हो रहा है। जब भी इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, ASM की लिस्ट से वापस आएगा शेयर, तो स्टॉक में आपको एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये होगी मेरी वीडियो ट्राइडेंट के शेयर पे। होप आप सभी को ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।